जय हिंद दोस्तों, पीसीडीए ने एक नया लेटर जारी किया है। इसमें कई पेंशनर्स एक्स सर्विसमैन को काफी राहत मिलने वाली है। 3 महीने का समय दिया है, 3 महीने बाद बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। तो लेटर में देखेंगे क्या है, डीएलसी की कितनी मोहलत मिली है, 3 महीने की डीएलसी की मोहलत मिली है, नई एडवाइजरी जारी हुई है। सबसे पहले तो लेटर को देखते हैं क्या है लेटर। लेटर में दिया हुआ है, ये लेटर है 28/11/2022 का, सीजीडीए ने जारी किया है। और ये सीजीडीए ने दिया हुआ है पीसीडीए को, पीसीडीए प्रयागराज को। इसमें दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श फॉर डिफेंस पेंशनर रिगार्ड, यानी कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए दिया गया है। और इसमें कहा गया है, डायरेक्टेड किया गया है कि अप्रूव्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट 3 मंथ, 3 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जाता है पेंशन का, पेमेंट का, यानी कि आपके बैंक में पेंशन आती रहेगी बिना किसी रोक के 3 महीने तक। जिसने डीएलसी नहीं की है, जिस पेंशनर्स की डीएलसी नवंबर 2022 में ड्यू थी और उन्होंने डीएलसी नहीं सबमिट की है, उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि वो अपनी डीएलसी, अब 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने तक पेंशन नहीं रुकेगी, 3 महीने तक अपना डीएलसी में जो भी दिक्कत आ रही है, नहीं भर पा रहे हैं, वो अपना कर ले, क्योंकि माइग्रेट होने के बाद डीएलसी भरने में काफी दिक्कत आई है पेंशनर्स को। और जो ये लेटर दिया है, ये कॉपी किया है सभी को, सभी आल पीसीडीए सभी को कॉपी कर दिया है और सभी को दे दिया है कि आप 3 महीने तक आपकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। इसमें ये भी दिया है कि इस लेटर में कि उसका रेफरेंस भी दिया है जो पीसीडीए ने 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा था सीजीडीए से, तो सीजीडीए ने अप्रूव कर दिया है, क्लियर दिया है, अप्रूव सीजीडीए ने कर दिया है। और अब 3 महीने तक आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, 3 महीने का डीएलसी का टाइम मिल चुका है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।